कई साल पहले अनीस नवाब के साथ इस टाइप की एक गजल मैंने पढ़ी थी। इंशाल्लाह बच्चों से गुजारिश है, बैठ जाए, इंशाल्लाह आपकी जो फरमाइश है पूरी होगी। बागेश्वरी बेटा गब्बर भाई, ये गजल मुझे बहुत पसंद है। एक मतलब दो तीन शेर और बाजी के बाद इंशाल्लाह और दो गजलें मैं आपको इंशाल्लाह सुनाता हूँ और एक शाद है। थोड़ा सा बस एक मतलब अब के हम शोएब भाई गजल पढ़ रहा हूं, अगर पसंद ना आ जाए तो रोक दो। अब के हम और एक, हालांकि पहली बार ऐसा हुआ चार साल में कि गब्बर भाई ने एक गजल की फरमाइश आज पहली बार की है, इसके बाद उसको सुनाता हूं। गब्बर भाई तो अपने भी नहीं मिलते, इसलिए पढ़ा ओ बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। ओ बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, सूखे पेड़ों को परिंदे भी नहीं मिलते हैं। शोएब भाई जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं, उतने सस्ते तो खिलौने नहीं मिलते। ये 8-10 दिन से बिल्कुल लगातार गा रहा हूं, बस आज गब्बर भाई के कर्म से आज नींद हुई है थोड़ी सी, क्योंकि फल मेरे पसीने का हवाओं में गया, इस महीने जो कमाया था दवाओं में गया, और
और उलझनों में हुए बर्बाद मेरे काम के दिन, एक इतवार बचा था वो दुआओं में गया। इंशाल्लाह रंगीन गजलें मैं निकाली आपके लिए सुनाता हूँ, मगर ये मेरी पसंद की गजल सुनिए गबर भाई। तमाम उम्र मोहब्बत इंशाल्लाह शहादत ऐसी पढ़ रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद भी इंशाल्लाह याद रखेंगे आप लोग। हाँ अभी नहीं बहुत। दुश्मन का पी लिया हंसकर, जब ऐसा मेरे खुलूस में था और जिसमें नारे मेरे खिलाफ लगे, मैं भी शामिल उसी जुलूस में था। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, ये बेवफाई करे और बेवफा ना लगे। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, ये बेवफाई करे और बेवफा ना लगे। अरे हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। शुक्रिया। ये तनवीर गाजी है, तुम्हारी आंख में एक पल समा के देख सकूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ कि बेवफाई करे और बेवफा न लगे।
हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। ये पाकिस्तान की शायर है, कहा है कि लहलहाती हुई शादाब जमी चाहते हैं और क्या तुझसे तेरे खाके नशी चाहते हैं, हमको मंजूर नहीं फिर से बिछड़ने का अजाब, हमको मंजूर नहीं फिर से बिछड़ने का अजाब, इसलिए तुझसे मुलाकात नहीं चाहते। हवा हवा घरों में कहां इतनी तेज चलती है, हवा घरों में कहां इतनी तेज चलती है, उसे तो सिर्फ हमारा दिया बुझाना था। हवा घरों में कहां इतनी तेज चलती है, उसे तो सिर्फ हमारा दिया बुझाना था। अरे मुझे तो सिर्फ तेरा इंतजार था, वरना किसी दरख्त का साया तो एक बहाना था। रज़क रोनाई में रिस्क लेना पड़ता है, न जाने कब कौन सी गजल जम जाए ये मालूम नहीं, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। शायर पर मतलब सुनना रात कल से, मैं अभी तक तो मैंने रंगीन गजलें सुनाई, मगर एक मेरी पसंदीदा गजल सुना रहा हूँ, जैसे आपको परवीन जी ने सुनाया, समा फरमाया। तमाम उम्र मोहब्बत निभाने से, ये बहुत सारा नजराना मिला है, मतलब अच्छा लगा। दूसरा शेर सुनिए। मैं जिसके नाम पे सब कुछ लुटाने वाला था, जिसके शेर हुआ यार कसम खुदा की, मैं जिसके नाम पे सब कुछ लुटाने वाला था, शेर भाई, मैं जिसके नाम पे सब कुछ लुटाने वाला था, कसम से वही तो है जो मेरा घर जलाने वाला, वही तो है जो मेरा घर जलाने वाला, वही तो है जो मेरा घर जलाने वाला।
भाई इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए, तब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। तब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए, बिगड़े दरिया जब भी टाले जाएंगे, बिगड़े दरिया जब भी टाले जाएंगे तो साहिल से कुछ पेड़ बहाले जाएंगे। एक दिन आएगा कि इंसान इतना जहरीला हो जाएगा कि सांप कबूतर जैसे पाले जाएंगे। दिल रोता है हमारे चचा से तवज्जो, दिल रोता है दामन गीले होते हैं, दिल रोता है दामन गीले होते हैं, हाथ किसी के जब भी पीले होते हैं, दिल रोता है दामन गीले होते हैं, हाथ किसी के जब भी पीले होते हैं, हाँ मेरी नजर में सांप के बच्चे बेहतर हैं, इंसानों से कम जहरीले होते हैं। बहुत अच्छा, हम आपके काबिल नहीं गा सकते मगर ये आपका प्यार है जो सुन रहे हैं। हाँ, दर दर ठोकर खाने वाले बन के सिकंदर बैठे हैं, दर दर ठोकर खाने वाले बन के सिकंदर बैठे हैं, और जिनको हमने चलना सिखाया आज वो सर पर बैठे हैं। फूलों वाला आंचल ऐसे ओढ़ के दिल पर बैठे हैं, ये ताजमहल की मीनारों पे जैसे कबूतर बैठे हैं। अरे तुम तो बस दो घूंटी पीकर अपनी हकीकत भूल गए, तुम तो बस दो घूंटी पीकर अपनी हकीकत भूल गए, हमको देखो मैखाने में पी के समंदर बैठे हैं। दोबारा सुनना चाहते हैं, मेरी मैं जिसके नाम पे सब कुछ लुटाने वाला था, वही तो है, वही तो है, वही तो है जो मेरा घर जलाने वाला था, वही तो है जो मेरा घर जलाने नौजवानों के लिए एक शेर दूं। हाँ बेटा, पहन ली जिसने अंगूठी अमीर जादे की, पहन ली जिसने अंगूठी अमीर जादे की, मैं उसके हाथ में मेहंदी लगाने वाला, हाय हाय हाय, मैं उसके हाथ में मेहंदी लगाने वाला, हाथ में मेहंदी लगाने वाला। बाजी आपसे भी इस शेर पर
इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा, मेरा पसंदीदा शेर पेश कर रहा हूं। अल्लाह 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 समा फरमाए। ओ ओ ओ दुआएं दे देना शेर को। समा फरमाए मेरा पसंदीदा शेर। दुआने उसकी भरो, दुआने उसकी मिठाया तुझे बुलंदी पर, दुआने उसकी मिठाया तुझे बुलंदी पर, दुआने जिसकी दुआने उसकी मिठाया तुझे बुलंदी पर। किसकी किसकी? अरे तू जिसको, तू जिसको अपनी नजर से गिराने वाला, तू जिसको अपनी नजर से गिराने वाला। आज आप सुभान अल्लाह, हमारे नफीस भाई ने ये बहुत सारा नजराना आता फरमाया है, मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ। तो जिसको ये शेर मैंने राशिद भाई को सुनाया था, गब्बर भाई बहुत देर तक रोए थे इस शेर पर, क्योंकि शेर ही ऐसा कहा है, शायरी की है शेर। तो मुझे चाहो उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल। तवज्जो चाहूंगा दोस्तों, उसी को पी गई, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल। किसको? जो अपने घर में अकेला आए हैं, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला, जो अपने घर में अकेला भाई। आमिर नेता साहब ने और नफीस भाई ने ये शेर दिए, ये नजराना दिया है। हाँ राशिद भाई, उसी ने मुझको कताब नहीं पढ़ रहा, सिर्फ गजल पढ़ रहा। उसी ने मुझको, जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह।
बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया। वाह, कैसर उल जाफरी कहते हैं बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया। मियां प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया। वाह, प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया। और मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरे बस्ती के कई घर पी गया। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरे बस्ती के कई घर पी गया। इसलिए उसी को पी गई, पी गई जालिम शराब की बोतल, जो अपने घर में अकेला, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला। उसी ने मुझको, नौजवानों से तवज्जो जो मोहब्बत करने वाले, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है कि हम अकेले नहीं जागते हैं रातों में, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। बहुत अच्छा शेर रशीद भाई। उसी ने मुझको पलट कर कभी नहीं, इसके बाद जो शेर पढ़ रहा हूं उसको अवार्ड मिलना चाहिए, कसम खुदा की, कसम खुदा की अवार्ड मिलना चाहिए। वो शेर पढ़ रहा हूं, समा फरमाए इसके बाद, पहले ये शेर सुनिए। उसी ने मुझको पलट कर कभी नहीं देखा, किसने, अरे मैं जिसकी राह में पल के बिछाने वाला, आखिरी शेर पढ़ के खत्म कर रहा हूं। जरा जहन को मेरी तरफ रखे जो शेर पढ़ रहा हूं, और स्टेज पे जितने फनकार बैठे हैं उनसे भी तवज्जो। कोरोना में एक मेरे सामने गब्बर भाई, एक ऐसा हादसा हुआ था कि मैंने खुद अपनी आंखों से वो मंदिर देखा था। कसम खुदा की, कोकण में एक शहर है माजरोना, वहां पर यह मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो पेश कर रहा हूं, समा फरमाए। बड़ी कमजोर है यार। समा फरमाए, वो शेर पर पढ़ के खत्म कर रहा हूं। उसी को लो, वाह, हमारे भैया का नाम भूल गया, शब्बन भाई, सुभान अल्लाह यार, क्या बात है। शब्बन भाई बैठ के हम जैसे टूटे फटे फनकारों को सुन रहे हैं, बड़ी बात है। उसी को लो उठाए हुए कांधों पर, क्या बात, उसी को लो क्या करे, क्या बात है, उसी को लो
उसी को लोग उठाए हुए हैं कांधों पर। उसी को लोग उठाए हुए हैं कांधों पर। किसको? जो बूढ़ी माँ, जो बूढ़ी माँ, जो बूढ़ी माँ, जो बूढ़ी माँ का जनाजा उठाने वाला, जो बूढ़ी माँ का जनाजा उठाने वाला, जो बूढ़ी माँ का जनाजा उठाने वाला, बनाया था जो मकान शराब बेच बेच कर, बेटा पी रहा है शराब उसी मकान को बेच कर। क्या ख्याल है कबर भाई का? जवाब नहीं, जवाब नहीं। हाँ साहब, कल से मेरी ख्वाहिश है कि दो तीन शेर सुनाऊं। अभी अभी रमजान गुजरा के समेटू हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा। शोएब भाई, समेटू हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, अगर जो हाथ फैलाऊं तो खुददारी का क्या होगा। चलो मैं अपनी खातिर कोई मस्जिद ढूंढ लेता हूँ, मगर जो घर में माँ है उसकी इफ्तारी का क्या होगा। क्या बात, मगर जो घर में माँ है उसकी इफ्तारी का क्या होगा, क्योंकि दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, मेहनत के एवज कोई भी उजरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। क्या बात, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। दुश्मन तो मेरा बहता लहू देख के खुश है, और शमशीर है कि मेरा वजू देख के खुश है। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो अल्बम में बहू देख के खुश है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी को लोग उठाए हुए कांधों पर, जो बूढ़ी माँ उठाने वैसे इसके बहुत शेर हैं। एक शेर में गब्बर भाई के लिए पढ़ना चाहूंगा, आखिरी शेर। उसी को अपना मसीहा बना दिया मैंने, जो मेरे खून